नमस्कार दोस्तों, एबीवी टेक में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में जो कि फोटो मिक्सर ऐप क्या और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में पहला आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले ऐसे आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से ऐसे आपके सामने फोटो मिक्सर ऐप करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस ऐप का रिव्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, जो कि 4.6 है और इसकी डाउनलोडिंग है वो 10 लाख प्लस हो चुकी है, क्योंकि इसकी डाउनलोडिंग भी काफ़ी अच्छी है और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों उसी तरह से इस ऐप को ऐसे ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों ये ऐप रहेगी वो कुछ इस तरह से ऐसे आपके सामने ओपन होने लग जाएगी। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों इस ऐप का जो भी इंटरफेस रहेगा वो कुछ इस तरह से ऐसे आपके सामने शो करने लग जाएगा। तो उसी तरह से ऐसे हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा वो कुछ इस तरह से ऐसे आपको सामने देखने को मिल जाएगा। तो इसको देख सकते हो उसी तरह से ऐसे हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपके सामने ओपन होने लग जाएगा। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों इस ऐप का जो भी इंटरफेस रहेगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर यस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारी जो भी लैंग्वेज रहेगी वो सेलेक्ट कर ली और उसी तरह से दोस्तों यहाँ से आपके सामने ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर नीचे आपके सामने इधर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उसी तरह से इस वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा वो कुछ इस तरह से अलाउ आएगा, तो अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपके सामने ऐड आएगी, तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों देख सकते हो ऐसे हमारे जो भी फोटो रहेंगे वो ऐसे ओपन होने लग जाएंगे। तो दोस्तों उसी तरह से ऐसे हमारे जो भी फोटो है वो कुछ इस तरह से ऐसे हमारे जो भी फोटो रहेंगे यहाँ पर इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ऐसे हमारे जो भी फोटो रहेंगे वो यहाँ पर आपके सामने इधर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ऐसे हमारे जो भी फोटो रहेंगे वो ऐसे आपके सामने इधर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से एल्बम वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसी तरह से ऐसे हमारे जो भी फोटो रहेंगे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ऐसे हमारे जो भी फोटो रहेंगे वो हम यहाँ पर कुछ इसी तरह से इस फोटो को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से हम इस वाला ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी तरह से ऐसे हमारा जो भी फोटो रहेगा वो कुछ इसी तरह से ऐसे आपके सामने इधर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से ऐसे हमारे जो भी कलरिंग के हिसाब से इधर आपके सामने इधर जो भी कलरिंग रहेगा उसके हिसाब से इधर पूरा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से ऐसे हमारे सामने इधर हमारा जो भी फोटो रहेगा वो कुछ इस तरह से एक्सेस वाला है फोटो है या फिर यहाँ पर अदरवाइज अपने कौन सा भी फोटो वगैरह रहेंगे तो वो कुछ इधर से इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ऐसे अपने फोटो की जो भी क्वालिटी है किस हिसाब से आपको करना है उसके हिसाब से इधर से आप अपने फोटो को कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ से हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा वो करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी फोटो का लुक रहेगा वो कुछ इसी तरह से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से आपके सामने इधर अपने जो भी ऑप्शन है वो टैक्स वगैरह सभी है और उसी तरह से स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके सामने बहुत सारे स्टिकर का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से आपने जो भी स्टिकर है वो बहुत सारे स्टिकर है उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी ऑप्शन है तो यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे और उसी तरह से दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ऐसे भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से ऐसे हमारे जो भी ऑप्शन रहेंगे नीचे की तरह आपको बहुत सारे ऑप्शन है उसी तरह से देखने को मिल जाएंगे और फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ऐसे हमारे जो भी फिल्टर की क्वालिटी भी आप इधर चेक कर सकते हो, जो कि ऐसे अपनी जो भी क्वालिटी आपको सूट करे उसके हिसाब से इधर से अपनी जो भी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आप कर सकते हो। और उसी तरह से दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे और उसी तरह से आपको जो ओके लगे उसके हिसाब से आपको ओके कर लेना है। और उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा वो कुछ इस तरह से और भी ऑप्शन है तो उसी तरह से हम यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा वो कुछ इसी तरह से यहाँ से आपके सामने इधर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा वो कुछ इसी तरह से यहाँ से आपके सामने इधर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा वो कुछ इसी तरह से ऑप्शन है तो उसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी ऑप्शन यहाँ पर इस वाला ऑप्शन पर ये हमारा जो भी फोटो है वो कुछ इसी तरह से यहाँ से यहाँ पर यूनिक यूनिक भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से यस करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी फोटो रहेगा वो हमारे मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हमारा जो भी फोटो है वो सेव हो चुका है और कुछ इसी तरह से इस ऐप को यहाँ से आप अपने मोबाइल में एक बार जरूर ट्राई करना, काफ़ी कमाल का ऐप है। तो उसी तरह से दोस्तों इस ऐप को यहाँ से आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो और इसमें अलग अलग ऑप्शन भी आपको इधर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों उसी तरह से इस ऐप को एक बार अपने मोबाइल में जरूर ट्राई करना और दोस्तों उसी तरह से इस ऐप का आप लाभ उठा सकते हो और उसी तरह से इधर आपके सामने ड्यूल का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उसी तरह से इस ऐप को यहाँ से यूज करके आप अपने मोबाइल में इसका लाभ उठा सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों ये इधर 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो इस ऐप की जो भी डिटेल रहेगी वो पूरी देखने को मिल जाएगी।